अभी हेलो दोस्तों, आइए आज हमको आज हमें यहाँ पे सेंट्रल हिंद बॉयज स्कूल, जो कि मेरा स्कूल है जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी है, और आज हम उसी के ग्राउंड में खड़े हैं। और आज स्पेशल बात क्या है, मैं आपको स्कूल तो दिखाऊंगा ही, लेकिन मैं घूमने आया हूँ कुछ खास लोगों के साथ। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरे साथ है ऋतिक कनौडिया फ्रॉम लुम्बिनी नेपाल, और इसने कहाँ पढ़ाई कर रखी है, सेंट पॉल दार्जिलिंग। एक अलग ही और है, और ये है हमारे साथ प्रियांशु सुमन फ्रॉम पटना बिहार, कहाँ सेंट जेवियर नहीं, अरे दले बिरला हाई स्कूल, और पटना में सेंट माइकल। और जो कैमरे के कैमरा मैन उनको दिखवा देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे आवाज ही काफी है। सौरव फ्रॉम जेएनवी, जेएनवी जेएनवी सौरव फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय, कहाँ से, अमरकंटक। इतने हम लोग सब लोग ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा आज स्कूल भ्रमण कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है, हम जानते हैं आप लोगों से कैसा लग रहा है ऋतिक, उनको अपने स्कूलों की याद आ गई भाई, हरियाली भाई बॉयज स्कूल में आए, बॉयज स्कूल के लिए यही हरियाली, मतलब हमारे लिए यही है पेड़ पौधे। कहाँ, और ये यहाँ पे क्या बताना चाहोगे, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? रोलर स्कूल देखिए, बच्चे हैं, पढ़ा लग रहा है, कैंटीन देख के बोलो ना पहले, दबी दबी। अच्छा कैंटीन कैसा लगा? और ये हमारे स्कूल का कैंटीन, और ये हैं बबलू भैया। ये देखिए कैंटीन है, हमारे स्कूल का तो नहीं है, आईएमएस अच्छा है, आईएमएस में कैंटीन ही नहीं है आज। ये भाई हमारा टू द प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा था, क्या हो गया भाई, टू द प्रिंसिपल लिख, कुछ कांड क्यों, क्या अरे करना चाहिए, क्यों नहीं किया। और ये है हमारा स्कूल जिसमें हम पढ़ते थे, ये हमारा जूनियर बिल्डिंग है, और ये है हमारे नए दोस्त। नए दोस्त नहीं कर सकते भाई, मतलब स्कूल के लिए नए हो गए। तो कैसा लग रहा है आज हम लोग सब लोग साथ में आए हैं स्कूल घूमने, कैसा लग रहा है ऋतिक? अच्छा लग रहा है, स्कूल के याद आ रहे हैं। ये खुद कहाँ, दार्जिलिंग, कौन सा था, सेंट पॉल दार्जिलिंग, बहुत ही शांत माहौल है, फैला फैला है स्कूल, हमारा स्कूल भी ऐसा ही था। कौन सा स्कूल का नाम, सेंट माइकल्स हाई, सेंट माइकल्स। और तू पहले कहाँ पढ़ा था, वो तो बिरला स्कूल पिलानी, बिरला स्कूल पिलानी। और अब हम लोग मिलते हैं नवोदयंस, पेड़ अच्छे लगे हमको, बाथरूम नहीं मिला। अरे भाई बाथरूम है स्कूल में, मेरा नवोदय भाई यहाँ पे भी आके अपना ज्ञान दे दिया, वो भी सोच रहा है। अब हमको पता था कोई ना कोई चीटिंग कर ही रहा होगा, कोई तो होगा हमारी तरह के जैसा, हमारी तरह कोई होगा भाई, साला होप लेके जाते हैं एग्जाम में, अभी कोई मिल जाए बस, कोई हां बाथरूम में कोई मिल जाए। एक बार इंसिडेंट बताना चाहेंगे आप? क्या बता, हम क्या, हम बाथरूम में गए, चार लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहा था। हमारे स्कूल टाइम पे क्या होता था, अलग अलग बैठते थे हम लोग, चले से एक क्लासरूम पे बैठते थे हम लोग, एक टाइम फिक्स करते थे हमारे, हम भी 12 बजे रहता था टाइम, सब बाथरूम में 12:35 को सब बाथरूम में मिलेंगे, सबको जाने देते थे, अलग अलग क्लास, हम लोगों का। और यहाँ पे 12:35 को सब पहुँच जाते थे, फिर ग्रुप डिस्कशन होता था वहाँ पे, फिर हम लोग एग्जाम लिखने जाते थे। और ये यहाँ मेरा, मेरा काम ये था, तो थोड़ा ज्यादा आ जाता, समझ रहा भाई, उस बच्चे का क्या डर लगा होगा जब तू पकड़ा उसको बाथरूम, उसके में थोड़ा ज्यादा आ जाता, तो हमारा काम ये था कि हमको जो जो भी आता है, या फिर एमसीक्यू रहते थे 10 नंबर लिख के आ जाओ बोर्ड गेट के पीछे, गेट के पीछे बाथरूम में जाके एक पर्टिकुलर पोजीशन, इतने सारे वहां एमसीक्यू लिखे हुए थे ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लिख के आना, करके बॉक्स में बना के जो सबको दे देना, अभी मेंटेन इसलिए भी नहीं है ना, क्योंकि छुट्टी चल रहा है ना सब कुछ, हाँ। और ये है
बताओ सौरभ कैसा लग रहा है? हम लोग इस पे अंडर हैंड खेलते थे, वॉलीबॉल हम नहीं खेल, बास्केटबॉल नहीं खेल पाते। हाँ हाँ ये जिम वाला मतलब जिमनास्टिक टाइप का, इसी में बच्चे अपना वो करते थे। हम लोग खेलते नहीं थे भाई, बास्केटबॉल से पहली बार हम खेले थे, उंगली में चोट लग गया, फिर हम छोड़ ही दिए। तो वही है छोड़ दिए।